और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मोहाली एमएमएस कांड में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल एमएमएस कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। 10 सदस्यीय इंटर्न कमेटी एमएमएस कांड की जांच करेगी और 10 सदस्यीय कमेटी में छात्र छात्राएं भी शामिल की गई हैं। तो 10 सदस्यीय कमेटी में छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। एमएमएस कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो एमएमएस कांड में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। एमएमएस कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो 10 सदस्यीय इंटर्न कमेटी जो है गठित की गई है, जो जांच करेगी, इसमें छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। वहीं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वॉशरूम कांड का विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी जानकारी, एक बड़ा अपडेट। छात्रों को विदेशी नंबर से धमकियां मिल रही। कनाडा के नंबर से छात्राओं को धमकी भरे कॉल आए। एमएमएस कांड में चुप रहने के लिए कहा गया है, धमकाया जा रहा है। चुप ना रहने पर वीडियो वायरल कर देने की धमकी छात्राओं को दी गई है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से मेंटली टॉर्चर भी किया जा रहा है छात्राओं को। और विदेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, कनाडा से ये कनेक्शन सामने आ रहा है। कनाडा के नंबर से कॉल आ रही है छात्राओं को, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि वो अपना मुंह बंद रखें इस पूरे मामले में, नहीं तो जो वीडियो इन छात्राओं का उनके पास है वो वायरल कर दिया जाएगा। तो चुप ना रहने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई है। छात्राओं के पास विदेशी नंबर से कॉल आ रहे हैं, कनाडा से बताया जा रहा है ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, जो विदेशी कनेक्शन है। छात्रों को विदेशी नंबर से धमकियां मिल रही हैं और कनाडा के नंबर से छात्राओं को ये धमकी भरा कॉल आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं विपिन परमार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। विपिन, जिस तरह से ये पूरा मामला अब लगातार गहराता जा रहा, एक के बाद एक नए कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले में विदेशी कनेक्शन, कनाडा से कॉल आ रही है छात्राओं को। देखिए, बिल्कुल, कहीं ना कहीं लड़कियां जो अंदर हॉस्टल में है उनको विदेशों से भी कॉल जो है वो किए जा रहे हैं। जो नंबर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, इस नंबर से लगातार कॉल जो है वो आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों को लेकर, प्रदर्शन ना करने और तमाम चीजों को जो है ज्यादा ना उठाने को लेकर जो है बात कही कहकर ये कहा जा रहा है कि आप जो है ये सब ना करें वरना आपकी वीडियोज जो है उन्हें लीक कर दिया जाएगा। ये धमकाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है और इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम और तमाम सोशल मीडियाज पर भी लगातार लड़कियों को जो है वो धमकाने का काम किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं। अब ऐसे में क्या कई सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंडिविजुअल गैंग था तो ये विदेशों से इसका क्या कनेक्शन है और कौन लोग हैं जो कि इनकी सरपरस्ती करते, इनको इनको बचाने के लिए लगातार धमकाने का काम जो है वो युवतियों को करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। ये तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो भी पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से आगे की तफ्तीश जो है वो की जाती है। और फिलहाल की बात ये है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं उन पर लाइव थे तमाम स्टूडेंट्स, और उस पर भी एक युवती की प्रोफाइल से जो है वो लगातार धमकाने का काम किया गया कि आप मेरी दोस्त को बाहर निकलवाइए वरना आपके वीडियोज जो है वो लीक कर दिए जाएंगे। तो अब ये तमाम चीजें जो है वो तमाम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। विपिन, कहीं ना कहीं यही डर है उन छात्राओं में, इसलिए वो ऑन कैमरा कुछ कहने को तैयार नहीं हो रही है। ऑफ कैमरा ये छात्राएं लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं, क्योंकि इन्हें मेंटली भी यहां पर टॉर्चर किया जा रहा है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है गोलमोल रवैया नजर आ रहा है। अगर हम वार्डन की बात करें तो उसका गोलमोल रवैया नजर आ रहा है। ये जो पूरा एक मामला है, कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र, एक बड़ी साजिश जो है नजर आ रही है। विपिन, आवाज मिल रही है आपको? तो शायद इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल एमएमएस कांड में चुप रहने के लिए धमकी छात्राओं को दी जा रही है। आपको बता दें, विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। तो कनाडा से कॉल आ रही है छात्राओं को और वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले में छात्राओं को धमकाया जा रहा है कि वो अपना मुंह बंद रखें। और जो तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें आरोपी छात्रा भी है, जो लगातार छात्राओं की वीडियो बना के, एमएमएस बना के भेज रही थी अपने दोस्त को जो शिमला में मौजूद था, जिसका नाम रंकज वर्मा है,
और रंकज को लगातार वो वीडियोस भेज रही थी। रंकज और साथ ही सन्नी मेहता, ये दो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी फिलहाल हो गई है। आरोपी छात्रा भी गिरफ्तार कर ली गई है इन सब के बीच। लेकिन अब विदेशी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र यहां पर नजर आ रहा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बवाल के बाद वार्डन पर एमएमएस कांड की गाज गिरी है। दरअसल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एलसी हॉस्टल की वार्डन राजविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि छात्राओं की ओर से सभी वार्डन्स को हटाए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में बवाल बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 6 दिनों तक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से 6 दिनों के लिए नॉन टीचिंग डेज घोषित किया गया है। प्रशासन के फैसले के बाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने घर वापस लौटना शुरू कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं छात्राओं के मन में डर बसा हुआ है, क्योंकि तमाम वो छात्राएं हैं जिनका वीडियो बनाया गया है, वो छात्राएं परेशान हैं, वो डरी हुई हैं कि उनका वीडियो वायरल ना कर दिया जाए, क्योंकि अब तो धमकी भरी कॉल्स भी आने शुरू हो गए हैं और विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। पूरी अलग नंगी करो, इसकी बनाओ वीडियो, भेजो देर का गए, पोस्टर बनवाए हम इसके बेशर्म पे, अपोलॉजी लेटर मेरे को दे दे, तेरे इंसिडेंट रिपोर्ट बनेगी, तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही, कंसर के पास भेज दे तेरे को, क्यों प्लीज मारो एक तरफ, फिर कंप्लेन करते हैं कि वार्डन थप्पड़ मारने का बोलती है, कितना गंदा काम, घिनौना काम कर रही है तू, इनकी क्या इज्जत नहीं है किसी की, फिर क्यों करती, किसके कहने पे करती है, तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर, किसने बोला तेरे को बनाने के लिए, किसने बोला, वार्डियस रूम में तेरे मुंह से सब कुछ उगलवा लेना है उन्होंने, कौन लड़का है वो, कहां का है वो, तो अब तू जानती तभी तो उसको तू भेज रही वीडियो, शिमला क्या तू कहां से है, फिर वो तेरे को जानता था, पुराना यार दोस्त है वो, फिर तेरे को उसका क्या डर की, उसके कहने पर तो इनकी सबकी इज्जत उछाड़ रही है, यहां पढ़ता है वो, कौन है लड़का वो, क्यों भेजती है उसको इनकी इनकी वीडियो बना के, क्यों भेजती है, वहां तेरा पुरुष में केस दे रहे डीएसएल वालों ने, तू बनाती क्यों है, तेरे से उस लड़के का नंबर भी लेंगे, उस लड़के का तेरे से सब कुछ पूछेंगे, उसके घर तक पहुंचना, तेरे घर तक में तेरे को हॉस्टल में बिल्कुल नहीं रहना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहाती हुई छात्राओं के वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी युवती के बॉयफ्रेंड समेत 2 युवकों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक युवक सन्नी मेहता को रोहडू और दूसरे रंकज वर्मा को शिमला के ढल्ली से गिरफ्तार किया है। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो आरोपी नजर आई वो आरोपी छात्रा थी, क्योंकि वीडियो लगातार ये आरोपी छात्रा बनाकर भेज रही थी, जिसके बाद से इसका खुलासा हुआ और जब पूछताछ शुरू हुई तो आरोपी नंबर 2 का चेहरा सामने आया, जो कि रंकज वर्मा है, और आरोपी नंबर 2 के बाद से आरोपी नंबर 3, देखिए यहां पर तीसरा जो है वो सन्नी मेहता है। फिलहाल इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन अब विदेशी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। तो ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर विदेश में कनाडा में बैठा कौन वो शख्स है जो इस पूरे गिरोह को चलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहां पर सन्नी मेहता और रंकज वर्मा, इसके साथ ही ये छात्रा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, ये सभी कौन है, इसके पीछे किसका हाथ है, अभी फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।